क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सिलसिला जारी है और तालीम का इंतजाम है, उसके बाद में रोजगार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, तो मुसलसल हम जिद्दोजहद करते रहे, चाहे कोविड हो या फिर फ्लड्स हो, हर वक्त आवाम के दरमियान में रहने वाली जमात का नाम बनाए। काम है काम भाई 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 तालीम के मैदान में जिंदगी के हर शोबे हयात में मजलिस इत्तेहाद और उस्मानिया काम कर। कैसे देखते हैं आपको लगता है कि क्या विकास के नाम पर एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए या फिर और कैसे काम है जो आप कर रहे हैं आपको करने की जरूरत है? नहीं, अब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ है तो करीब 14,000 करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर जब आप ठहरे हैं, फ्लाईओवर के नीचे ये भी डेवलपमेंट है, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, फिर अंडरपास है हमारे पास और ओवेसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर है, रोड वाइंडिंग से सबसे ज्यादा हुई है हमारे पास और रोड्स का काम हुआ है, तो काफी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बल्कि आप जाकर देखिए, फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ पे 42 करोड़ से पूरा KG-PG कैंपस बन रहा है विद वन स्टेडियम इन प्ले ग्राउंड एज वेल, तो काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज है जो आपके विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद है, ओवैसी परिवार है, लोग इसलिए वोट करते हैं। कैसे देखते हैं आपको लगता है कि परिवारवाद से उठकर, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके बेटे भी जो है नूरुद्दीन वो भी दिख रहे हैं इस वक्त प्रचार के वक्त इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि हर वक्त मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम है, हमारी कारकर्दगी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं, मुझे रिकग्निशन मिला और मैं रिकग्नाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से और मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, मगर हम काम कर रहे हैं और हमारा काम सबके सामने है, इसलिए इतने लोग आज खड़े हैं हमारे साथ। पब्लिक रैलियों से ज्यादा जो है पदयात्रा पर आप ज्यादा यकीन लगता है? पिछले बार भी हमने देखा कि पैदल दौरे हो रहे थे, इस बार भी पैदल? सोशल मीडिया के द्वारा हम दोनों चीजें करते हैं, सुबह और शाम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 10 बजे से पहले पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, फिर रैलीज भी करते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। बराबर, लोगों से क्या रिएक्शंस मिल रही, सबसे अच्छी और सबसे बुरी जो आपको लगता है कि हाँ इसको मुझे काम करना चाहिए? नहीं, जो रिएक्शन मैं इस इलेक्शन में देख रहा हूँ कि जब पहले इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त लोग मुझे बोलते थे कि सालार का बेटा है, ओवैसी साहब का लड़का है, इलेक्शन में आया है, उसके बाद में अकबर ओवैसी कहने लगे कई दिन तक। अब जब मैं फिरता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे लोग और बिल्कुल उस छोटे बच्चे अकबर सर बोलते हैं, तो प्रॉब्ली ये हमारा एजुकेशन का सक्सेस स्टोरी है कि अकबर सर मासूम बच्चे बोलते हैं। सर, अब आपके बेटे तैयार हो रहे हैं चुनाव के लिए, इस बार सोच रहे थे कि उनका नाम आएगा, कितने तैयार है वो और कैसे आप उनको प्रचार में लेकर आ रहे हैं, तो कितना उनको वो आप लोग की सोच थी, आप लोग लिख रहे थे, हमारा तो कोई इरादा नहीं था। लेकर आएंगे उनको राजनीति में? वक्त बता, मेरे प्रचार में जरा मुझे मेहनत कम हो जाती है तो बड़े भाई रहने। सींग माई हेल्थ कंडीशन एज ही इज अ डॉक्टर, ही इज ऑलवेज देयर विद मी, इफ नीडेड एंड रिक्वायर्ड ही विल बी देयर बिसाइड मी। आपके बड़े भाई में आवाम का एतमाद और मेजोरिटी ज्यादा होती रही है, इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजोरिटी और बढ़ेगी। में आवाम का एतमाद और मेजोरिटी ज्यादा होती रही है, इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजोरिटी और बढ़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों ही हमारे साथ है, अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है जोर पकड़ रहा है और अवामी एतमाद है, खिदमत है, जमात की कारकर्दगी से काम है, कारकर्दगी है, तालीम के मैदान में जिंदगी के हर शोबे हयात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम करती आई है और कर रही है, चंद्रायन गुट्टे में भी वही सिलसिला जारी है और तालीम का इंतजाम है, उसके बाद में रोजगार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है,
तो मुसलसल हम जिदोजहद करते रहे, चाहे कोविड हो या फिर फ्लड हो, हर वक्त आवाम के दरमियान में रहने वाली जमात का नाम मजलिस है।